अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुसक ऐप पे अकाउंट जनरेट करने और लॉगिन करने का तरीका हम आपको बता चुके हैं, सऊदीया में रहने वालों के लिए भी, गल्फ़ या दूसरे कंट्री से आने वालों के लिए भी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है, आप क्लिक करके प्रोसीजर देख सकते हैं। और नुसक ऐप के बारे में ए टू जी हर तफसील जानने के लिए भी एक अलहदा से वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक भी दे देता हूँ, वो भी देख लें। अब इस वीडियो में मैं आपको नुसक ऐप के ज़रिए परमिट्स हासिल करने का तरीका बताऊंगा कि आप हज, उमरा और रियाजुल जन्ना में जाने और वहां नफल अदा करने के परमिट्स किस तरह हासिल कर सकते हैं। चलें इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम नुसक ऐप पे लॉगिन करेंगे। मैंने रेजिडेंट में क्यों, मैंने रिमेंबर में किया हुआ था ऑलरेडी, तो लॉगिन डाटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा लॉगिन पर क्लिक किया, इधर ओटीपी आएगा, ओटीपी मैं एंटर करूँगा, जो ओटीपी रिसीव होगा उसे मैंने एंटर किया और ये लॉगिन हो गया। अब मैं इसमें देखता हूँ क्या क्या है। हज क्या है कि हज की अगर आपने बुकिंग करानी है या करवाई हुई है उसका सारा डिटेल्स है, तो क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल हज किया हुआ था इसलिए इस साल हज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक मरतबा हज करने वाला मजीद 5 साल के लिए वो हज नहीं कर सकता। उमरा, उमरा का परमिट बुक कराना है तो वो इधर से करवा सकते हैं और इधर से रोदा का परमिट बुक होगा, ठीक है। अब मैं आपको, हमें मेन उमरा का और रोदा का बताना है आपको। सपोज़ मैं इधर से, अब ये इनके अकाउंट में कंपेनियन भी ऐड हुए हैं, कंपेनियन यानी साथी, किस तरह आपने ऐड करने के, आप उन्हें भी अपने साथ उम्र पे लेके जा सकें, तो इसकी मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। कंटिन्यू कर दिया। अगर एक बंदे को लेके जाना चाह रहे हैं, अगर ज़्यादा को लेके जाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा का करके कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। आगे वो पूछ रहा है कि किस डेट को उमरा करना चाह रहे हैं। सपोज मैं इधर थर्सडे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इधर हिजरी में भी देख सकता हूँ, तो इस मैं इंग्लिश कैलेंडर मैंने ओपन किया। अब मैंने इसमें सपोज ये थर्सडे को मैं उमरा करना चाहूँ, फ्राइडे का परमिट अवेलेबल नहीं आ रहा। अच्छा, डेट सेलेक्ट करने के बाद प्रेफर टाइम मॉर्निंग में सेलेक्ट करना चाहूँ या इवनिंग में, तो पहले अक्सर वो एएम और पीएम की कन्फ्यूजन हो जाती थी, तो अब इन्होंने मॉर्निंग और इवनिंग का रख दिया है, तो मैं इवनिंग का कर रहा हूँ। वो बता रहा है कि रश का क्या लेवल, क्राउड लेवल क्या है, ग्रीन लो रश को शो कर रहा है, मॉडरेट जो है वो हाई रश, दरमियाने रश को शो कर रहा है और रेड हाई रश को शो कर रहा है। ये अपडेट्स पे देख रहे हैं, ये कलर्स हुए हैं, इनको थर्सडे को मॉडरेट रश को, इनको थर्सडे को दरमियाना रश शो कर रहा है। से इधर और भी प्रॉब्लम आ रही है, अब इवनिंग में मैं आ रहा हूँ तो इस पर टाइम कोई नहीं शो कर रहा, मगर मॉर्निंग में मैं अगर करूँ तो इस पर टाइम आ रहा है सुबह 8 से 10 तक का। तो अब टाइम क्योंकि इवनिंग में नहीं आ रहा, तो मैं इधर से अब मॉर्निंग वाला टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलो मॉर्निंग में चलते हैं। इनकेस अगर मैं सैटरडे में करता तो उसमें मॉर्निंग के ये टाइम अवेलेबल थे और इवनिंग का कोई टाइम अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं नॉन रश डेज पे करूँ जहाँ कम रश है, उसमें मॉर्निंग के ज़्यादा टाइम आ रहे हैं और इवनिंग में भी टाइम अवेलेबल है, ठीक है जी। इसी तरह नॉन रश में आप इस तरह के डिफरेंट टाइम्स देख सकते हैं। तो मैं फिलहाल थर्सडे का इवनिंग के बजाय मॉर्निंग का सिलेक्ट कर रहा हूँ टाइम और कंफर्म कर रहा हूँ। अब वो बता रहे हैं कि जो ये परमिट है ये किस किस के लिए अवेलेबल है, ये मेन पर्सन है और ये उसके अंडर जो कंपेनियंस हैं वो साथ में ये होंगे, तो इसे मैं ओके कर रहा हूँ। यानी कि ये चेक बॉक्स जो है इस पर क्लिक किया और सबमिट कर दिया, एक्सेस योर कैलेंडर येस और अलाउ कर दिया, परमिट इशूड आ गया है। रिजर्वमैन आप पूछ रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक कॉट अपनी वो बुक करवाना चाह रहे हैं तो वो भी बुक करवा सकते हैं, इस पर क्लिक करना होगा और आगे फर्दर प्रोसीजर है। वो बता रहे हैं कि अभी आपने कॉट बुक नहीं कराई तो मेक रिजर्वेशन पर क्लिक करके आप इलेक्ट्रिक कॉट वो बुक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कॉट के ज़रिए तवाफ़ या सही करने का तरीक़ाकार की मैं अलहदा से वीडियो बना दूंगा, और तवाफ़ या सही के लिए इलेक्ट्रिक कॉट हासिल करने की उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। इस ऐप में दो तरीक़ों से इलेक्ट्रिक कॉट की बुकिंग होती है, दोनों वाजे करूँगा उस वीडियो में। वही तो ऑन स्पॉट भी आप उधर जाके टिकट ले सकते हैं, बस उधर ज़रा रश होगा। तो बहरहाल मैं रिजर्वेशन नहीं कर रहा इसकी, स्कूटी की। अब परमिट मैं अपना व्यू करता हूँ कि मेरा परमिट आ गया या नहीं। अब ये परमिट का
वो नीचे मैसेज आ रहा था कि अपना आप हमें अपने एक्सपीरियंस से बताया कि आपको ये ऐप यूज़ करना कैसा लगा है। ये उम्र का परमिट है और ये बता रहा है कि इस बंदे के लिए अब सिंगल पर्सन पे क्लिक नहीं हो रहा, बट इतनी बता रहा है हिस्ट्री या पहले जो मैं परमिट्स यूज़ कर चुका हूँ, ये सारी उनकी डिटेल्स हैं। अच्छा जी, अब मैं रोज़े रसूल के लिए देखता हूँ, होम पे गया, इधर रोज़े पे, अब मैंने देखना कि मेल के लिए सेलेक्ट करना या फीमेल के लिए सेलेक्ट करना। मैं फीमेल का ऑप्शन देखता हूँ, ये जो फीमेल ऐड है वो आ गए, एंटर हो गए और इसमें कोई डेट शो नहीं कर रहा फीमेल्स के लिए। अब मैं मेल्स के लिए देखता हूँ, ये मेल्स को सिलेक्ट किया जिन जो जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी कोई ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, नो डेट अवेलेबल। ठीक है, अगर डेट होती तो इसी तरह आगे प्रोसीड होना था, डेट सेलेक्ट करने के बाद मॉर्निंग इवनिंग और टाइम सेलेक्ट करना पड़ना था और फिर उसी तरह जिस तरह उम्रे का परमिट बुक किया था प्रोसीड करके वैसे ही रोज़े का परमिट बुक हो जाना था। अच्छा, बाद में कभी लॉगिन होते हैं अपने अकाउंट में और परमिट को व्यू करना चाह रहे हैं तो ये नीचे जो है वो आ रहा है कि 2 days until your journey, यानी कि आपका उम्रे का जो है वो परमिट शुरू होने में 2 दिन बाकी हैं, अब आप उम्रे को व्यू करना चाह रहे हैं। इधर QR कोड आता है जो कि 2 घंटे पहले एक्टिवेट होता है उम्रे के टाइम से या आपके परमिट के टाइम से। ये परमिट की डिटेल्स है कि किस टाइप का परमिट है, उम्रे का है या रोज़े का, किस डेट को होगा और कौन क्या इसका टाइम है और किसने इशू किया, और साथ में अगर कोई कंपेनियन जा रहा है तो वो कौन कौन है। अगर आप परमिट को कैंसिल करना चाहते हैं तो इधर से कैंसिल भी कर सकते हैं, या कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है कैंसिल परमिट, इस पर क्लिक करके परमिट आपका कैंसिल भी हो सकता है। परमिट कैंसिल करने का भी मैं आपको तफसील से इसी वीडियो में बता देता हूँ कि कैसे हो रहा है। परमिट को ओपन किया और इस पर ये नीचे कैंसिल परमिट को इस ऑप्शन को क्लिक किया। अगर आप सभी का परमिट कैंसिल करना चाह रहे हैं तो तमाम पर्सन को सिलेक्ट कर ले, अदरवाइज जिसको आप कैंसिल करना चाह रहे हैं सिर्फ उसी को सिलेक्ट करें और फिर नीचे डन पे क्लिक कर दें। डन पे क्लिक करने के बाद ऐप आपसे दोबारा कंफर्म करेगा कि आप परमिट कैंसिल करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। ले जी, परमिट कैंसिल हो गया। अब आप जब परमिट को ओपन करेंगे तो जिन पर्सन को आपने सिलेक्ट किया था कैंसिल करने के लिए परमिट को, उनके सामने कैंसल्ड लिखा आ जाएगा। अब आप दोबारा से उनके लिए किसी और डेट की बुकिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रियाजुल जन्ना का आजकल साल में एक दफ़ा परमिट इशू किया जा रहा है, तो अगर आप परमिट का टाइम आने से पहले पहले कैंसिल कर देंगे तो वो काउंट नहीं होगा, मगर अगर आपने परमिट कैंसिल नहीं किया और आप गए भी नहीं हैं तो वो आपका परमिट काउंट हो जाएगा और नेक्स्ट परमिट फिर आपको मखसूस टाइम के बाद ही मिलेगा, जो भी उस वक्त पॉलिसी चल रही होगी। नाजरीन, अब नुसक ऐप की अगली सीरीज़ में मैं आपको बताऊँगा के नुसक ऐप पे परमिट्स के अलावा और क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं, आप अपने अकाउंट में कंपेनियंस को किस तरह ऐड या रिमूव कर सकते हैं, पासवर्ड या मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं और क्या क्या नुसक ऐप में, सारा आपको तफसील से बताऊंगा। और इस समेत हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में तमाम वीडियोज़ के लिंक्स भी लगाता रहूँगा ताकि जो आपको स्पेसिफिक वीडियो रिक्वायर्ड हो वो आप देख सकें। आप चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लें। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।